ट्रैक्टर डाला सहित लूट लिया गया था तथा साथ में कुछ अन्य सामान गैस सिलेंडर इत्यादि और लोहा इत्यादि उसमें लूट लिया गया था। इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया था तथा जैसे ही पुलिस को सूचना मिली थी तुरंत वहां पर पुलिस टीम पहुंची। रोहतास में 7 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि ट्रैक्टर समेत 2 देसी कट्टा व खोखा भी और 4 जिंदा कारतूस के साथ जो है रोहतास पुलिस ने लुटेरों को जो है गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कल रात जो है रोहतास पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां 7 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें कि रोहतास जिले के अकौड़ी गोला थाना क्षेत्र के बुधवा महुवड़ी गांव के समीप जो है काव नदी में जो है पुल निर्माण के का कार्य चल रहा था। बीते रात 21 अक्टूबर को रात्रि हथियार का भय दिखाकर जो है अपराधियों ने कंपनी में निर्माणधीन बेस कैंप से निर्माण करने वाले बेसकीमती सामान जो तथा 3 ट्रैक्टर समेत गैस सिलेंडर को भी जो है लूट लिया था, जहां रोहतास पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने निर्देश पर जो है मामले का उद्भेदन करने के लिए एसआईटी के जिम्मे जो है जांच सौंपी गई थी। और इसके डिहरी अनुमंडल पुलिस तथा एसआईटी टीम ने मिलकर जो है मामले की गुत्थी को सुलझाई है और इसमें 7 लुटेरों को पुलिस के हत्थे जो है वो चढ़े हैं। वही बता दें आपको कि बड़ी सफलता रोहतास पुलिस को मिली है। जो बताते चले आपको कि उक्त घटना का बाबत जानकारी देते हुए रोहतास एसपी ने बताया है कि मामले का उद्भेदन के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी, जहां रोहतास तथा कैमूर से अलग अलग जगहों से उक्त 7 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आशीष भारती जो एसपी है रोहतास के, वो क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुने। सर, 7 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, सर क्या मामला है? अकोड़ी गोला थाना अंतर्गत विगत 19-20 की रात्रि को कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा रात्रि में ग्राम बुथुआ महुवरी के पास काव नदी पर एक पुल का जो निर्माण हो रहा है उसमें जिस कंपनी के द्वारा निर्माण किया जा रहा है उसका एक बेस कैंप है, वहाँ पर उसके अंदर घुस करके अपराध कर्मियों के द्वारा अग्नियास्त्र का भय दिखा करके 3 ट्रैक्टर डाला सहित लूट लिया गया था तथा साथ में कुछ अन्य सामान गैस सिलेंडर इत्यादि और लोहा इत्यादि उसमें लूट लिया गया था। इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया था तथा जैसे ही पुलिस को सूचना मिली थी तुरंत वहां पर पुलिस टीम पहुंची और इस मामले के उद्भेदन के लिए एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ डेहरी तथा अन्य अकोड़ी गोला थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी एवं अन्य डीआईयू एवं अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। इस मामले में पुलिस को जानकारी मिली थी और तो जैसे जैसे सूचना प्राप्त हो रही थी विभिन्न स्थानों पर जिले के अंदर और जिले के बाहर भी छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि प्रमोद पांडे जो कि लोधी बराव सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और राकेश कुमार जो कि दरियाघाट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, मोतीलाल सिंह जो कि सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भैंसिया गाँव के रहने वाले हैं, सत्येंद्र कुमार सिंह जो कि सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भवानी बीघा के रहने वाले हैं, मुकेश कुमार जो कि भैंसिया कला सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, चंदन कुमार वो भी उसी गांव के हैं और हरेंद्र कुमार वो भी उसी गांव के हैं। इनके द्वारा इस मामले में इनकी संलिप्तता पाया गया और इनकी गिरफ्तारी की गई है और इनके निशानदेही पर कैमूर पुलिस के सहयोग से कैमूर जिला में एक जो लूटा गया ट्रैक्टर है उसको बरामद किया गया है और साथ में जो इनके पास से कुल 10 मोबाइल बरामद किए गए हैं और गिरफ्तार अपराधकर्मी सत्येंद्र कुमार सिंह के पास से 2 देसी कट्टा, 4 कारतूस और 4 खोखा भी बरामद किया गया है, जिस संबंध में एक अतिरिक्त अलग से कांड दर्ज करके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गई है जो कि विभिन्न थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और साथ ही लूटा गया ट्रैक्टर और हथियार भी बरामद किया गया है। इस मामले में अन्य जो भी अपराधकर्मी और शामिल हैं उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और अन्य जो लूटा हुआ सामान है उसकी भी बरामदगी की जाएगी जो भी पुलिस पदाधिकारी कर्मी। तो आपने सुना कि आशीष भारती एसपी रोहतास का क्या कुछ कहना था। बताते चले कि रोहतास में 7 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताते चले कि लगातार पुलिस जो है लुटेरों को गिरफ्तार करने में जुटी थी। एसआईटी का टीम के साथ जो है लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। ट्रैक्टर समेत 2 देसी कट्टा व खोखा व 4 जिंदा कारतूस भी जो है बरामद किया गया है। इस तरीके का जो भी अपडेट्स होगा लगातार आपको देते रहेंगे। बने रहें NBC24 के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।